वेलकम टू दिस एपीसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। पिछले चार सालों तो हर रोज़ असी तुहाडे नाल सांझ पा रहे हैं ते तुहाडे वल्लों जो सहयोग मिले उसके असी दिलों धन्नवादी हाँ कि जिस मकसद नाल इस प्रोग्राम नूं असी शुरू किया सी कि तुहाडे घरां विच आ के असी तुहानूं एजुकेट कर सकीए, तुहाडे नाल इनफॉर्मेशन शेयर कर सकीए ते इंपावर कर सकीए, उस विच जो असी कामयाबी सानूं मिली है उस लई तुहाडे दिलों धन्नवादी। समां आंदा है जदों कि ट्रांजिशन का एक फेज़ हुंदा है, क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि हुण मैं सियासत विच जा रहा, तो इस करके हुण साडे नाल कई ऐसे अहम होस्ट आ के तुहाडे नाल इसी प्रोग्राम नूं कंटिन्यू रखणगे। मकसद यही होएगा कि असीं कम्यूनिटी दे विच जो चंगा हो रहा है उस तो कुछ सीख सकीए ते नाल खास तौर उत्ते अपनी नौजवान पीढ़ी जो है उसनों अपने कल्चर नाल, अपने इतिहास नाल अते साडियां जिहड़ियां पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ने उन्हां नाल जोड़ सकीए। सानूं बड़ा माण है कि साडे नाल नुसरत हुसैन जी जुड़ रहे हैं जिहड़े कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साबका ए अफसर हन। उस तो अलावा ये एक जर्नलिस्ट भी रहे ने। पाकिस्तान तो कैनेडा आ के इन्होंने 7 साल मिरकल अखबार में चलाया और उस दे नाल एक मैगजीन भी चलाया करते। सो पत्रकारी दे विच इन्होंने डीप इंटरेस्ट जो रखे उसनों ही हुणे टैलीविजन स्क्रीनज़ दे उत्ते तुहाडे नाल सांझ पाया करनगे। सो आओ अज दे इस प्रोग्राम विच स्वागत करदे हाँ नुसरत हुसैन जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू हरप्रीत जी। थैंक यू। कहते हैं ना कि एक तो दोस्ती हो और दोस्ती के ऊपर जब काम करने को इकट्ठे और मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो आई वुड थैंक यू फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आके अपनी जो सोच है, अच्छी सोच, उसको लोगों तक लाने का फैसला किया। हरप्रीत जी थैंक यू वेरी मच एंड द ऑनर इज म्यूचुअल। थैंक यू सर। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसा दोस्त मिला जिसके साथ मैं उस लेवल पे कम्युनिकेट कर सकें जहाँ पर हम जो हमारा सारी गुफ्तगू का जी, हमारी प्राइवेट गुफ्तगू भी जो वो ट्रूथ होता है और हम सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ट्रूथ और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की जब हम बात करते हैं ये हमारे सिद्धांत हैं, और ये सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, इनको जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देते हैं और उसका अंजाम जो है हमारे सामने है। हमने जब ये 4 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया था रोज़ का प्रोग्राम, तो बहुत बातें होती थी कि यार ये एक हफ्ते का प्रोग्राम चलाना मुश्किल होता है, रोज़ का कैसे चलाओगे। लेकिन हमारा यही सिद्धांत था कि हम लोगों तक जो सच है, जो हमारे अच्छी चीज़ें उनको लेके आएंगे, और उसके फलस्वरूप आज हम कामयाब हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके बारे में कि पाकिस्तान से जब यहाँ आए तो आपने अखबार में जाने का, क्योंकि आपका पाकिस्तान में तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप शुरू से ही डिफेंस सर्विसेज में, तो आपको पढ़ाना जो है पढ़ने में बड़ा शौक होता है, पढ़ाते भी हैं, तो यहाँ पर आके आपने मिरेकल कैसे शुरू किया? असल में सबसे पहली बात ये कि मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री है पाकिस्तान से। ओके। और उसके बाद यूएसए से मैंने एक जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है जी। तो मेरे पास जर्नलिज्म का सारा नॉलेज जो था वो मौजूद था। राइट। लिखने लिखाने का शौक था थोड़ा सा, वो मैं छोटा बड़ा लिखता रहता था जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई अखबार नहीं था तो मेरे पास इसका नॉलेज तो मौजूद था लेकिन इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था। राइट। तो मुझे कुछ जब दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार यहाँ पे कोई अखबार नहीं है, तो उस लिहाज से मैंने फिर सोचा कि अभी मुझे अपना वो जर्नलिज्म का जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आना चाहिए। ठीक। तो मैंने फिर ये अखबार को शुरू किया और 7 साल तक मैं खुद चलाता रहा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के अखबार अभी 15वें साल में शुरू हो गया जी, जिसका आपको पता ही है, पीरजादा साहब आप उसको चला रहे हैं जो पार्टनर थे साथ जी। तो ये वो पैशन था जर्नलिज्म का जिसकी वजह से मैंने वो अखबार को शुरू किया। राइट। और वो चलता रहा और उससे मुझे तजर्बा मिला। फिर मैंने जो एक और काम किया कि 2002 में इसके 9/11 के बाद जी मैं गया और मैंने कोई 11 एम्बेसडर्स को ऑटवा के अंदर, जो पाकिस्तान कैनेडियन जी जी उसमें जो एम्बेसडर्स थे वो उस वक्त मैंने सिर्फ वो मुस्लिम कंट्रीज के थे 11, इसमें के सीरिया, पाकिस्तान, मलेशिया, देन यूएई और काफी सूडान। राइट। तो 11 एम्बेसडर्स को मैंने इंटरव्यू किया और उसका अलग एक मैंने क्या पर्सपेक्टिव क्या था वो लाया, लोगों वो क्या सोचते हैं, टेररिज्म को हमने एड्रेस किया था जी, एंड आई वांटेड टू गेट के उनसे। तो मुझे वो इंटरव्यूज उनके साथ करने का बड़ा मजा रहा। ठीक। और एक फिर वो मैं जितना अरसा मिरेकल के अंदर रहा तो उस वक्त भी डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू करते रहे। राइट। जैक लेटन को मैंने इंटरव्यू किया हुआ था और कई पॉलिटिकल मेंबर्स को इंटरव्यू किया जी। तो इसलिए जब आपने मुझे बोला कि भाई इधर आके तुम ये इसको, सो इट वाजंट अ बिग थिंग बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी बीन देयर। नहीं, सर्टेनली आई वुड नॉट से कि इट वाज नॉट अ बिग थिंग, आई हैव लर्नड बिकॉज़
इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज डिफरेंट, राइट, वैसे वो जर्नलिज्म जो आप एब्सोल्युटली नेवर्थलेस, क्योंकि सिद्धांत जो है वो 5 W's की जो हम बात करते हैं और H की बात करते हैं, हाउ, उसके साथ ही ये सारा कुछ रिवॉल्व होता है. आज बहुत सारे खासतौर के ऊपर साउथ एशियन मीडिया की जब हम बात करते हैं, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, वी ओनली डिपेंड अपॉन आर कम्युनिटीज़, उनके सहयोग से ही ये प्रोग्राम्स लोगों तक पहुँचते हैं. तो अब जैसे खासतौर के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, अचीवमेंट्स भी हो रही हैं हमारी, साउथ एशियन मीडिया प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, यू नो अनअकाउंटेबल न्यूज़पेपर्स हैं, जितने सारे हम छप रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोगों में चेतना आ रही है. अब उसका जो रिजल्ट पड़ रहा है, आप जब बात करते हैं आम जनता से, क्या है, हाउ डू आर कॉमन पीपल फील अबाउट इट? वैसे इस वक्त जो है ना, जो सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन हुआ है जी, उसकी वजह से बहुत रैपिड हो गई है. एक बात हुई और फौरन ही पहुंचती है, राइट. लेकिन नेवरदीलेस, तो टीवी और रेडियो और प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट. वो भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको घर में जब बैठे होते हैं लोग शाम को आके, तो वो दे वांट टू सी कि कोई ऐसी चीज हो. बिल्कुल. तो इस वजह से ये आपके टीवी प्रोग्राम के ऊपर, और जो आपने जैसे पहले बोला कि 5 दिन ये प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं है, मैं खुद इस दश्त से गुजरा हूँ और मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किलात है, खास करके फाइनेंशियल चीजें जो है हमारे यहाँ, वो अवेयरनेस नहीं है कि मीडिया को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, और इसके टू फोल्ड्स हैं जो रिजल्ट्स हैं जी. तो उसी को मैं सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि आपने जो है ये एक बहुत बड़ा एक वेरी अपहिल टास्क जो आपने अपने आप ऊपर लिया है जी. तो सर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम कहते हैं अगर हमारे पास किसी भी मंजिल तक हमने पहुँचना है तो ज़रूर पहुँच सकते हैं. और हमारा ये हमेशा जब भी हमारी गुफ्तगू होती है यही होता है कि हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू आवर कम्युनिटी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम वो अच्छा जो हो रहा है उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकें, और इसीलिए इस प्रोग्राम के हम हमेशा ही जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारी साउथ एशियंस की उनको आगे लेके आते हैं. सो फाइनली जो आपने बात की, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड, एंड आस करते हैं कि जिस मकसद से हम इस प्रोग्राम को पहले करते रहे उसी हिसाब से इसको आगे भी चलाते रहेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच हरप्रीत जी. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू टू बी विद यू. सो आज जो असीं गलबात की थी, इस दे नाल ही नुसरत हुसैन जी साढ़े हुण शो दे विच प्रोग्राम्स लैके हाजिर होया करनगे, ते आओ उस दे नाल ही ब्रेक तो बाद देखते हैं कि एक ऐसी शख्सियत नाल गलबात करन जा रहे हैं जिहड़े कि कम्यूनिटी विच बहुत कुछ कर रहे हैं.